हाँ एक काम कर, 3 करोड़ डाल दे। कबाड़ी साइड हट, गाड़ी निकालनी है। ये क्या बात करने का तरीका है? प्यार से भी तो बोल सकती हो ना कि हाँ मुझे गाड़ी निकालनी है, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। अबे तू है कौन जो तुझसे प्यार से बात करूँ? कबाड़ी है, कबाड़ी की औकात में रहे। चल साइड हट, गाड़ी निकालनी है। अरे तू कबाड़े वाले किसको बोल रही है? हाँ माना मैं कबाड़े वाला जैसा दिख रहा हूँ, करोड़ों का काम है मेरा, करोड़ों का कबाड़ा उठाता हूँ और 2 करोड़ का बेचता हूँ उसे। अच्छा महीने में कबाड़ा बीन बीन के तू लास्ट 10,000 कमा लेता होगा, लेकिन तुझे पता है तू जिस गाड़ी के सामने खड़ा है वो कितने की है? ये क्या बात कर रही है तू इस 8-10 लाख की गाड़ी के लिए? 8-10 लाख रुपए तो मैं एनी टाइम साथ लेकर चलता हूँ, और तू क्या बोल रही थी 10,000 रुपये कमाता हूँ मैं? 10,000 रुपये तो मैं भिखारी को दे देता हूँ एक बारी में, समझी? मुझे लगता है तेरी ये बुद्धि ना घुटनों में है। अबे कबाड़ी कहीं के, अपनी हालत देख, अपनी कंडीशन देख, फिर मुझसे बात कर। तू मेरे सामने पैसों की रोप दिखा रहा है? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं महीने के 40,000 रुपये कमाती हूँ और तू कबाड़ी है, कबाड़ी कबाड़ा बीनता है? फटीचर साला मुझे पैसे दिखा रहा है, औकात नहीं है बात करने की, बकवास किया जा रहा है। और मैडम क्या बोले जा रही है तू? फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, फटे हुए जूते पहन रखे हैं, क्या उलिया बना रखा है? अरे मैंने उलिया ऐसा इसलिए बना रखा है क्योंकि मैं कबाड़े का काम करता हूँ। अगर मैं नए कपड़े पहनकर कबाड़ा उठाने जाऊँगा तो मेरे कपड़े ख़राब नहीं हो जाएंगे? लेकिन तुझे होश तो है नहीं कि कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए, बस तू तो बस मुँह में आई जैसे बोले जा रही है मेरे को। और हाँ क्या बोल रही थी, 40,000 में? 40,000 में तो मैंने 10 एम्प्लॉय रख रखे हैं जिनको काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे में बैठे बैठे बस इतना सा संभालते हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ उठाना है और कहाँ घेरना है, समझी? पैसे बहुत है मेरे पास। अबे क्या बकवास की जा रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही थी, पता नहीं तू कहाँ से बीच में आ गया। देख मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरा कपड़ा नीचे फेंक दूंगी और तेरे ऊपर से गाड़ी ले जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? मेरे इस कबाड़े को नीचे फेंक देगी, मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल देगी? अरे मैडम अगर तुझे पता चला ना इस कबाड़े के थैले में कितना पैसा है तो तेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। क्या सोच के बात करिए तू मुझसे? अरे तुझे पता नहीं है क्या आजकल जो सड़क पर पूड़ी कचौरी बेचते हैं ना वो भी महीने के 3-4 लाख रुपये कमा लेते हैं, और तू बात कर रही है कबाड़े की? तू सोच रही हो कि कबाड़े वाले के पास तो पैसे ही नहीं होते होंगे? अरे हमारे पास इतने पैसे हैं कि तेरी 7 पीढ़ी बैठ के भी खाएगी ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। और हाँ कोई कबाड़ी छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और जो रेल पेल के जो कबाड़ा निकलता है वो हमारे पास ही आते हैं, और जो सरकारी टेंडर होते हैं ना वो भी मैं ही उठाता हूँ। बात कैसे कर रही है तू हमसे? छोटा मोटा कबाड़ी समझ रही है ना? अच्छा तो सरकारी ठेके उठाता है? सरकारी ठेके उठाने वाले तेरे जैसे फटीचर नहीं होते, ऐसे गंदे कपड़े पहन के नहीं घूमते, वो सूट वूट पहन के घूमते हैं। तू किसे बेवकूफ़ बना रहा है? मुझे बेवकूफ़ बना रहा है? मैंने सारी दुनिया देखी है, तू कितनी देर से कट्टा कट्टा कर रहा है, दिखा दे तेरे कट्टे में क्या है, कितने करोड़ रुपए हैं, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अरे तू क्यों फालतू में जिद कर रही है? अगर मैंने भी कट्टा दिखा दिया ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हाँ तू एक काम कर, तू मेरे होश उड़ा ही दे, मैं आज होश उड़ाना चाहती हूँ। कितनी देर से कट्टा कट्टा कर रहा है, दिखा क्या हुआ, निकल गई हुआ? अरे दिखा ना खोल के क्या है इसमें? लगता तो यूं नहीं मानेगी। ले ये देख क्या हुआ, निकल गई एकड़ी। इतने सारे पैसे इस कट्टे में? पूरे 17 लाख रुपए हैं इसके अंदर। ला गाड़ी चाबी दे दे। मैं चाबी नहीं दे सकती, ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे बॉस की है। मैं तो बस फाइल लेने आई थी, तो मैंने तुम्हें देखा तो सोचा थोड़ा बहुत सॉल्व कर देती हूँ। सॉरी ये गाड़ी मेरी नहीं है। क्या ये गाड़ी तेरी नहीं है? इसका मतलब तू फालतू में इतनी देर मेरे साथ ड्रामा कर रही थी? अब खुल गई तेरी आँख? अरे तू मुझे प्यार से ही बोल देती है अरे थोड़ा सा साइड में हट जाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है, तो इतना ड्रामा ही नहीं होता। फालतू में तुम मेरे से इतनी देर बहस कर रही थी क्यों? अब बोलना, अब तो मुंह में जबान भी नहीं है तेरे। सुन मेरी बात, आगे से ध्यान रखना, किसी के कपड़ों को देख के जज मत करना। सर सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। चल चल अब क्या सॉरी, निकले यहाँ से।